नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए समा के चावल की खिचड़ी बनाएंगे। ये खिचड़ी बड़ी आसानी से बन जाती है और अच्छी लगती है, तो आइए समा के चावल की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। समा के चावल की खिचड़ी बनाने के लिए हमने समा के चावल को साफ करके धोकर आधा घंटे पानी में भिगो लिया है। तो ये भीगे हुए समा के चावल है और इसमें से हम एक्स्ट्रा पानी है वो हटा देंगे। तो खिचड़ी बनाने के लिए हम ये बर्तन गरम कर लेते हैं। बर्तन में 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे। घी को गरम होने देते हैं। इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को हल्का सा भूनेंगे। गैस धीमी रखेंगे ताकि मसाले जले ना। और अब हम ये कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और दरदरी कुटी काली मिर्च, हल्का सा भूनेंगे। और अब डालेंगे चावल। ये चावल बहुत ही बारीक होते हैं। 1-2 मिनट इन्हें भून लेते हैं घी और मसाले के साथ। ये चावलों को हमने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। और हमने सेंधा नमक लिया है, व्रत का नमक है, ये भी डाल देते हैं। चला देते हैं इन्हें और खिचड़ी को ढककर 3-4 मिनट पकने देते हैं। गैस मीडियम रखेंगे और इसके बाद हम इसे चलाएंगे और चेक करेंगे। और जब तक हमारी खिचड़ी पकती है तब तक हम आलू काट कर तैयार कर लेते हैं। ये आलू हमने धोकर ले लिए हैं, आलू को छील लेंगे। आलू हमने छील लिए, आलू को हम एक बार फिर से धोकर ले लेंगे। और इधर हम अपनी खिचड़ी का भी ध्यान रखेंगे, इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू हमारे कट चुके हैं, खिचड़ी को चेक करते हम ये चावल पकने के लिए दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं और इधर हम ये आलू सेक कर तैयार कर लेंगे। और ये चावल पकने के लिए हम गैस धीमी और मीडियम ही रखेंगे। तो कढ़ाई में हम 3-4 छोटे चम्मच घी डाल देते हैं। घी अपनी पसंद से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी को गर्म होने देते हैं और इधर हम खिचड़ी को पूरे ध्यान से पकाएंगे। हर 1-2 मिनट में इसे हम चलाएंगे। खिचड़ी को ढकने के लिए हम इसे थोड़ा सा एक साइड से खोल कर रखेंगे ताकि हमारी खिचड़ी बाहर ना निकले और भाप उसमें से निकलती रहे। घी गर्म हो गया है, घी में हम ये आलू तलने के लिए डाल देते हैं। और आलू को हम थोड़ा सा नरम क्रिस्पी होने तक तल कर तैयार करेंगे। खिचड़ी चेक कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि चावल हमें काफ़ी फूले हुए और नरम दिखाई दे रहे हैं। हमारी चावल पककर तैयार है, तो हम इन्हें ढक देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। और इधर हमारे ये आलू भी अभी बने जा रहे हैं। आलू अच्छे क्रंची सॉफ्ट तलकर तैयार हो गए हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम ये मूंगफली के दाने घी में डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से रोस्ट होने तक थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते रहेंगे, आग धीमी रखेंगे। मूंगफली के दाने भी ब्राउन हो गए हैं, अच्छी खुशबू आ रही है और ये भी तलकर क्रिस्प होकर तैयार हो गए हैं। हमें ये दाने और आलू चावल में मिलाने हैं। तो हम देख रहे हैं चावल में पानी थोड़ा कम है, हमें बहुत गाढ़े पके दिख रहे हैं, तो हमें थोड़ा पानी मिलाना है। तो ये पानी हम बॉईल कर लेते हैं, मूंगफली के दानों में ही डाल देते हैं। हमने करीब 1/4 कप पानी और ले लिया है। पानी में अच्छा उबाल आ गया है, चावल में पानी और मूंगफली के दाने मिला देंगे। अब हम ये सिके हुए आलू भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। हम खिचड़ी में थोड़ा सा धनिया डालकर मिला देंगे। मिक्स कर देते हैं, गैस बंद कर देते हैं और खिचड़ी को प्याले में निकाल लेते हैं। खिचड़ी के ऊपर
थोड़ा सा घी डाल देते हैं। खिचड़ी में घी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर खिचड़ी की गार्निश कर देते हैं। समा के चावल की खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है और बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप दही, व्रत वाली चटनी या रायता किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।